हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आईएएस मेंटरशिप। आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 7। एंड इन दिस लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर नेचुरल वेजिटेशन, ओके, एंड वाइल्ड लाइफ ऑल्सो। सो आई होप यू ऑल आर रेडी विद टूडेज लेक्चर। अभी तक के जितने भी लेक्चर हमने किए हैं लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक, आई होप कि आप लोगों को उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, लेकिन अगर आपको मेंटर से बात करनी है तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो है आपका नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। चैप्टर नंबर 4 था एयर, चैप्टर 5 था वाटर। अब हम बात करेंगे पेड़ पौधे और वाइल्ड लाइफ के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ओके। आई होप कि आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही हैं, ठीक है, फाइन। कीप रिवाइजिंग, सारे लेक्चर्स को आप दोबारा तिबारा देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मेक अ गुड यूज ऑफ योर माइंड मैप्स ऑल्सो। तो चलिए पहले पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन का डेफिनेशन। नेचुरल वेजिटेशन, टू वर्ड्स हैं इसमें, एक तो नेचुरल बोल रहा है और एक वेजिटेशन बोल रहा है। मतलब इससे हमको ये तो समझ में आ गया है कि ये हमने नहीं बनाया है, ठीक है, ये नेचुरली दे हैव अकर्ड, राइट ना। तो बेसिकली इट रेफर्स टू प्लांट लाइफ ऑफ ए रीजन विच ग्रोज नेचुरली, ठीक है, विच ग्रोज नेचुरली। जैसे मैंने बताया कि वेजिटेशन मीन्स प्लांट लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, राइट, विच ग्रोज नेचुरली, जो नेचुरली ग्रो होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट मेड बाई मैन। जैसे अब आप गार्डन की बात करोगे, गार्डन, तो क्या गार्डन आपका नेचुरल वेजिटेशन में आएगा? नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल, बिकॉज इट हैज बीन क्रिएटेड बाई मैन, राइट। तो बेसिकली दिस इज योर नेचुरल वेजिटेशन का वेरी इजी डेफिनेशन। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जो है वो हर अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। कहीं पे सन ज्यादा है तो वहां पे ग्रीन प्लांट्स बहुत ज्यादा होंगे, कहीं पे आपके सन बारिश कम है तो वहां पे डेजर्ट टाइप के आपके वेजिटेशन होंगे, जहाँ पे आपको प्लांट्स और बिग ट्रीज नहीं दिखने को मिलेंगे बल्कि आपको कैक्टस मिलेगा, थॉर्नी स्मॉल बुशेज मिलेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स जो है नेचुरल वेजिटेशन जो है क्लासिफाई होता है, ठीक है। अब हम तीन टाइप्स के नेचुरल वेजिटेशन जो है उनको ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ठीक है, इनटू थ्री ब्रॉड ब्रॉड कैटेगरीज ब्रॉड। सबसे पहला है हमारा फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट सबसे पहला। अब फॉरेस्ट, व्हाट इज फॉरेस्ट? इट इज बेसिकली एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो है बहुत सारे आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, और ऐसा ये आप देख सकते हो, ये क्लियर पिक्चर ऑफ ए फॉरेस्ट है। और ये ऐसा होता क्यों है? बिकॉज इन फॉरेस्ट जो है वहाँ का टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत अच्छा होता है टू सपोर्ट प्लांट लाइफ, ठीक है। टेम्परेचर इज ऑल्सो गुड एंड दे आर ऑल्सो हैविंग प्रॉपर रेनफॉल, एंड दैट इज वाई दीज टू मेन फैक्टर्स, दैट इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल, जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट को। नेक्स्ट आपका ब्रॉड कैटेगरी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है ग्रासलैंड्स। फॉरेस्ट ग्रासलैंड मतलब कि देखिए, फॉरेस्ट का मतलब बड़े बड़े पेड़ हो गए, है ना, ग्रीनरी। अब ग्रासलैंड में ग्रासेस ज्यादा होती हैं, राइट। अब ये कौन से रीजन में ग्रो होता है? ऐसे रीजन में जहाँ की जो रेन होती है वो मॉडरेट होती है, ना ज्यादा ना कम। यहाँ पे एक्सेसिव रेन होती है, ठीक है, फॉरेस्ट में एक्सेसिव रेन होती है, बट ये ग्रासलैंड आर हैविंग मॉडरेट रेन, ठीक है, रीजन है ये रीजन। तो दीज आर दोज पर्टिकुलर एरिया वेयर, जहाँ पे जो है मॉडरेट रेन। थर्ड टाइप ऑफ योर कैटेगरी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज योर श्रब्स। वॉट इज श्रब्स? ड्राई एरिया में ग्रो होते हैं ये बेसिकली, ठीक है, मतलब कि रेन कंपैरेटिवली कम है। तो आप तीनों चीजों में देखोगे, यहाँ पे रेन सबसे ज्यादा है, रेन इज एक्सट्रीम, यहाँ पे आपकी रेन मॉडरेट मिलेगी, और यहाँ पे बहुत ही कम मिलेगी, लेस रेन मिलेगी, दैट इज वाई दिस रीजन इज वेरी ड्राई एंड वहाँ पे श्रब्स होते हैं, ठीक है, थॉर्नी श्रब्स होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, थॉर्न्स मतलब कांटे होते हैं, कैक्टस की बात कर रहा है ये, है ना, क्लियर।
तो ये आपको जानना है। अब ये जो अलग अलग जो फॉरेस्ट ग्रासलैंड श्रब्स का कैटेगरी है, ये कैसे बना है? ये ऐसे बना है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कहाँ कैसी है, डिपेंडिंग अपॉन दैट इट हैज बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड। ठीक, अब ड्राई रीजन्स में, हाँ चलो इसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन जब हम ड्राई रीजन्स का पढ़ेंगे तब हम जाके आपको मैं बताऊंगी। सो बिफोर गोइंग अहेड, दिस इज आवर मेंटरशिप प्रोग्राम, IAS मेंटरशिप प्रोग्राम। You can pause and you can see all the benefits over here. For any query, you can directly call on any of these number. Your query will be resolved. ठीक है? And this is our mentorship foundation program for those students, for those aspirants who need mentorship from the start of their preparation. ठीक है? जिनको एक mentor की support चाहिए starting से लेकर end तक, वो आप इस course में भी join कर सकते हैं। और हमारे coach रियासत अली सर हैं, उनके गाइडेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी 2022 प्रीलिम्स को बहुत ही अच्छे से क्रैक किया है एंड दे बिकेम ए टॉपर आल्सो। ठीक है, आप जितने भी पिक्स देख रहे हैं यहाँ पे रियासत अली सर के साथ जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने इसी मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपना एग्जाम को क्लियर किया है। और ये एक हमारी बैच ऑलरेडी, ये 15 जून की बैच चल रही है, बैचेस हम फ्रीक्वेंटली लॉन्च करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लेटेस्ट वाले बैच के बारे में इंक्वायरी करनी है या ज्वाइन करना है तो आपके सामने दो नंबर है, यू कैन डायरेक्टली गिव अ कॉल ऑन दिस नंबर एंड योर क्वेरी विल बी रिजॉल्व। फाइन, ओके, मूविंग अहेड एंड लेट अस ट्राई टू बाइफरकेट ईच वन ऑफ देम। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो तीन टाइप्स में ब्रॉडली क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज फॉरेस्ट, सेकेंड इज ग्रासलैंड एंड थर्ड इज योर श्रब। अब इसी फॉरेस्ट को हम डीप जाएंगे कि कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। नंबर वन टाइप इज योर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो आपको इससे एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए, अब आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आपको ट्रॉपिकल का मतलब पता होना चाहिए। दो स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम विल नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज मैंने ट्रॉपिक और ट्रॉपिकल इक्वेटर सबका डेफिनेशन मैंने प्रीवियस क्लासेस में क्लियर किया है। तो जिसको भी दिक्कत है वो प्रीवियस लेक्चर को पहले देखिए, देन कम टू दिस लेक्चर। तो ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा 30 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, एंड दिस इज आवर 30 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये वाला जो एरिया है एस्पिरेंट्स, ये वाले एरिया को ट्रॉपिकल बोलते हैं। ठीक है, इन बिटवीन द ट्रॉपिक्स। तो दोज फॉरेस्ट That are present in tropics, इसके बारे में बात हो रही है, लेकिन वो evergreen है। मतलब कि evergreen मतलब हर 12 महीना साल के साल वो हमेशा green होते हैं। Generally क्या होता है, plants और trees का अगर आप क्या बोलते हैं उसको, उसका life process अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कुछ time बहुत ज़्यादा green दिखेगा आपको, फिर कुछ time shed करते हैं leaf, है ना, अपने पत्तों को झड़झड़ाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद बहुत ड्राई लगते हैं, फिर अचानक से ग्रीन हो जाते हैं। तो ये आप प्रोसेस ध्यान दिए होंगे, ठीक है ना, तो ये प्रोसेस ध्यान दिए होंगे, लेकिन ये वाला जो फॉरेस्ट है ये 12 महीना सालों साल जो है वो आपको हरा ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो मेन फैक्टर्स हैं, फर्स्ट इज योर सन एंड सेकेंड इज योर रेन। सन भी अच्छा खासा मिल रहा है, रेन भी अच्छा खासा मिल रहा है, इसीलिए जो है ये एवरग्रीन होते हैं और ट्रॉपिक्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन बोलते हैं। तो दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजंस नियर इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू विद दिस डायग्राम। दीज रीजंस आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट, ठीक है, नॉट इन पर्टिकुलर मंथ, नॉट इन पर्टिकुलर टाइम, बट थ्रू आउट। देर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, जैसे भाई होता है ना समर तो ड्राई सीजन है, लेकिन ये जो फॉरेस्ट जहाँ प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता, ट्रीज भी अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं, इसीलिए जो है ये एवरग्रीन कहलाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ये तो समझ लिया लेकिन एग्जाम्पल्स भी आपको याद होने चाहिए या पता होना चाहिए टू राइट टू कोट इफ इट इज वेरी मच चांस दैट ये वाला जो टॉपिक है फॉरेस्ट का वो आपको पूछा जाए UPSC मेंस में। तो आप एग्जांपल्स के लिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में रोजवुड, इबोनी, है ना, महोगनी, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ योर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट।
तो यहाँ पे जो है हार्ड वुड ट्रीज होते हैं, हार्ड वुड, ठीक है, देख सकते हो आप, फोटो देख सकते हो, बड़े बड़े दे वुड भी इनके बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग गुड न्यूट्रिशन. अब जो बोला जाएगा कि कोई मसल बिल्डर है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हार्ड है, स्ट्रांग है, कैसे बना वो? प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर वर्कआउट. तो इसीलिए ये वाले जो ट्री हैं जो आप देख सकते हो, दे आर ऑल्सो हार्डवुड. सो आई होप एक एक चीज बातें आपको क्लियर हो गई होंगी ट्रॉपिकल एवरग्रीन से रिलेटेड. ओके फाइन, मूविंग अहेड नाउ, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट. व्हाट इज ट्रॉपिकल डेसीडियस? देखो अब एवरग्रीन और डेसीडियस में एक अंतर आ जाता है कि भाई दोनों तो ट्रॉपिकल में है तभी ट्रॉपिकल लिखा हुआ है, बट अंतर ये आता है कि एवरग्रीन जो है वो 12 महीना आपके ग्रीन होते हैं, बट डेसीडियस जो है वो एक समय पे पत्ती जो है वो अपने झाड़ झाड़ते हैं. मतलब ट्रीज शेड देयर लीव्स एट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग द ईयर, सो दैट इज नोन एज योर ट्रॉपिकल एवरग्रीन. क्लियर? ओके, सो दीज आर बेसिकली मॉनसून फॉरेस्ट. ठीक है, दे आर फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे आपको मिलते हैं. डेसीडियस का मतलब मैंने आपको बता दिया, दैट ट्रीज आर शेडिंग देयर लीव्स. ट्रीज शेड देयर लीव्स, राइट, लीव्स. एंड व्हाई दे आर शेडिंग देयर लीव्स? बिकॉज दे नीड टू कंजर्व द वॉटर. ठीक है, दे नीड टू कंजर्व द वॉटर. Fine. So, trees shed their leaves in the dry season to conserve water. To conserve water means if leaves are there, तो leaves अगर होते हैं तो एक process होती है जिसका नाम है transpiration. Through transpiration is the process through which plant loses water. ठीक है, loses water. Like human beings are having a process known as excretion. Similarly, plants are having transpiration where water is being lost. तो अब already गर्म है, already आपके पास rain हमेशा नहीं है, तो अगर transpiration होगा तो water loss ज्यादा हो जाएगी. तो इस वजह से जो है trees shed कर देती हैं leaves ताकि transpiration की process ही ना हो. और यहाँ पे कौन कौन से trees आपको मिलेंगे, you should be remembering this. यहाँ पे trees मिलेंगे साल, टीक, नीम, शीशम. क्लियर? ओके, एनिमल्स कौन कौन से मिलेंगे, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूज, मंकीज, ये सब जो है आपको मिलेंगे. और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं साल, टीक, नीम, शीशम जो है, इनका यूज क्या है, दे आर यूज फॉर फर्नीचर्स, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इसमें ये यूज होते हैं. क्लियर? सो दिस इज अबाउट योर ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट. अब बारी आती है नेक्स्ट टाइप की, दैट इज योर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. नाउ मैंने आपको बताया कि दिस इज आवर अर्थ, यस, दिस इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल. ये रीजन है हमारा ट्रॉपिक, और ये वाला जो रीजन है ना, बिटवीन योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक एंड बिटवीन योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू अंटार्कटिक, ये रीजन को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन. टेम्परेट का मतलब क्या होता है नॉर्मल डिक्शनरी वर्ड में, मतलब नॉर्मल, मिनिमल, ना ज्यादा ना कम, टेम्परेट. ठीक है, ओके, ट्रॉपिकल में हॉट होता है, टेम्परेट में टेम्परेट होता है, मॉडरेट होता है. तो वहां पे जो एवरग्रीन, जो 12 महीना जो हरे होते हैं, उनको जो है क्या बोलते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. दे आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन. ओके, कोस्ट में आप देख सकते हो मोस्टली ये सब कोस्ट के पास है. ये देखो, ये भी कोस्ट के पास है, ये वाला भी कोस्ट के पास है, दिस इज कोस्ट के पास, दिस इज कोस्ट के पास, ये दिस कोस्ट के पास है ना, ये वाला पोर्शन भी कोस्ट के पास. तो और कॉमनली इन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, आप देख सकते हैं ईस्टर्न मार्जिन में आपको ज्यादा दिखेंगे. क्लियर? ओके, एग्जाम्पल साउथ ईस्ट है ना, यूएस हो गया आपका, चाइना, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राजील, ये सब आपके एग्जाम्पल. और ट्रीज कौन कौन से हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट वुड लाइक ओक, पाइन, यूकलिप्टस एक्सेट्रा.
तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब आपके टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज टेम्परेट डेसीडियस। अब जो ऐसे फॉरेस्ट जो टेम्परेट रीजन में पतझड़ करें, ऐसे फॉरेस्ट, दोज फॉरेस्ट विच शेड देयर लीव्स इन द टेम्परेट रीजन आर योर टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट। ओके, दीज आर एट हायर लैटिट्यूड, मैंने आपको बता दिया, वेयर सच एज योर पार्ट्स ऑफ यूएस, चाइना, न्यूजीलैंड, चिले, कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप एज वेल। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। ऑलवेज रिमेम्बर, ये डेसीडियस वर्ड का मतलब ही होता है लीव शेड करना, ठीक है, पतझड़। ट्रीज, ओक, एश, बीच, कॉमन एनिमल्स, डियर, फॉक्सेस, वोल्व्स, बर्ड्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका टेम्परेट डेसीडियस। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके, देन ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल की बात हो गई, तो अब हम आ गए टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड देन योर टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट। अंडरस्टूड? ठीक है, क्लियर, फाइन। नेक्स्ट इज योर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। मेडिटेरेनियन, अब आपको पता होगा कि मेडिटेरेनियन एक सी का नाम है, ठीक है, इट इज मेडिटेरेनियन सी एक है, ओके। सो ऐसे वेजिटेशन जो मेडिटेरेनियन रीजन में ग्रो होते हैं, दैट इज योर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, एंड दीज आर प्रेजेंट इन द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। वेस्ट और साउथ वेस्ट, जैसे मान लीजिए ये एक कॉन्टिनेंट है, तो वेस्ट रीजन में और साउथ वेस्ट रीजन में, ये वाले रीजन में आपको मेडिटेरेनियन मिलेगा। मेनली इन द एरियाज अराउंड मेडिटेरेनियन सी, यूरोप में जो है, अफ्रीका, एशिया, इसीलिए उसका नाम भी मेडिटेरेनियन वेजिटेशन रखा गया है। अब ऐसा नहीं है कि इट इज जस्ट कॉन्फाइंड टू द मेडिटेरेनियन रीजन ओनली, बट इट इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन, जैसे कैलिफोर्निया में भी मिलेगा आपको। मेडिटेरेनियन सी से कितना दूर है कैलिफोर्निया, है ना, अफ्रीका में भी मिलेगा, साउथ वेस्ट, साउथ अमेरिका, है ना, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ योर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। क्लियर? दीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? समर इज हॉट ड्राई एंड माइल्ड रेनी। वॉट आर द कॉमन वेजिटेशन? साइट्रस फ्रूट्स सच एज योर ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स। यहाँ पे ज्यादा वाइल्ड लाइफ भी नहीं है, ओके, देर इज नो नॉट मच वाइल्ड लाइफ। सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ कहाँ होगी? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ओके, ऑल्सो डेसीडियस में भी होगी, बट सबसे ज्यादा एवरग्रीन में होगी। यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, ओके, फाइन। टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? ओके, तो ये आपका मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के बारे में है, साइट्रस फ्रूट्स, हॉट ड्राई समर्स, माइल्ड रेनी विंटर्स, ओके। नेक्स्ट इज योर कॉनीफेरस फॉरेस्ट। नाउ इफ यू ब्रेक दिस वर्ड कॉनी, कोन टाइप ऑफ थिंग, ओके, द फॉरेस्ट इन विच ट्रीज आर इन द शेप ऑफ कोन, दैट इज योर कॉनीफेरस फॉरेस्ट। यू कैन सी हियर, सी दिस इज, ये ऐसे टाइप के जो ट्रीज होते हैं ना, ये ऐसे कोन्स शेप में, वो दैट इज योर कॉनिफेरस फॉरेस्ट, एंड दीज आर फाउंड इन योर हायर लैटिट्यूड। व्हाई? बिकॉज इन हायर लैटिट्यूड देर इज स्नोफॉल, ओके, स्नो होता है, आइस होता है, तो सो दैट आइस फॉल डाउन फ्रॉम द स्लोप ऑफ द कोन्स ऑफ योर स्लोप ऑफ द साइड ऑफ द ट्री, इसीलिए उधर के शेप ऐसे होते हैं। यू कैन सी हाउ सेंसिटिव प्लांट्स आर ऑल्सो देयर, दे हाउ दे आर अडेप्टिंग टू डिफरेंट एनवायरमेंट। अब अगर यहीं पे ऐसा ट्री होगा तो ऊपर बर्फ गिरेगी, तो बर्फ तो यहीं जम जाएगी। इट नीड्स टू बी फॉलन डाउन, सो इट इफ इट नीड्स टू बी फॉलन डाउन द स्लोप्स और द साइड ऑफ द ट्री शुड बी इन स्टीप साइड, तो उसी के हिसाब से जो है हाउ वेल दे आर अडेप्टिंग यू कैन सी। Okay, so this is a very beautiful example. So the trees are found in higher latitudes of northern hemisphere. इसको हम taiga भी बोलते हैं. Coniferous forests are also known as taiga. Higher latitude में भी पाए जाते हैं, higher altitude में भी पाए जाते हैं. ठीक है, जैसे क्या बोला जा रहा है? This is my earth.
दिस इज माई इक्वेटर, दिस इज माई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक, अंटार्कटिक. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू हायर लैटिट्यूड सच एज दिस प्लेस, यहाँ पे तो आपको मिलेंगे ही, और साथ में अगर ट्रॉपिक है लेकिन ट्रॉपिक में भी हाइट है, हाइट पे ओके, वहां पे भी मिलेंगे आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट. सो डोंट गेट कंफ्यूज दैट दे आर अवेलेबल ओनली इन हायर लैटिट्यूड, नो. ओके, वॉट आर द एनिमल्स? एनिमल्स ऑल्सो आर अडेप्टेड, दे आर हैविंग ए वेरी थिक लेयर ऑफ फर, सो दैट दे आर दे कैन नॉट फील एज मच एज कोल्ड द टेम्परेचर इज देयर. अपने टेम्परेचर को अडेप्ट करने के लिए इनके जो बॉडी होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, थिक लेयर. ट्रीज आर टॉल, सॉफ्ट वुड, एवरग्रीन ट्रीज हैं, है ना. अब वुड ऑफ दीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प. ओके, पेपर के लिए पल्प इज यूज फॉर मेकिंग पेपर, न्यूज प्रिंट, मैच बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड ऑफ सॉफ्ट वुड. मतलब कि यहाँ पे सॉफ्ट वुड ट्रीज हैं, और जो सॉफ्ट वुड ट्रीज का कैरेक्टरिस्टिक्स या उसका वो क्या होता है कि फ्रॉम दैट मैच बॉक्सेस और पैकिंग बॉक्सेस बनाए जा सकते हैं. क्लियर? सो दिस इज योर कॉनिफेरस फॉरेस्ट, राइट. नेक्स्ट इज अबाउट योर ग्रास लैंड. यू कैन सी हियर ग्रास लैंड, ट्रीज आर नॉट एज मच एज इन द ट्रॉपिक्स. ओके, जितना ज्यादा आप देखे थे. अब ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो ट्रॉपिक्स में ग्रासलैंड होते हैं, दे दीज ऑकर इन द ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर एक्सटेंडेड टू द ट्रॉपिक्स. मैंने बताया कि ट्रॉपिक्स से लेकर, इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक्स के बीच में आपको ग्रासलैंड मिलेंगे. अब यहाँ पे ग्रासलैंड है मतलब यहाँ पे प्लांट्स की बढ़ोतरी नहीं हो पाई है, इसका मतलब वहां पे पानी उतना ज्यादा नहीं मिला होगा, तभी तो प्लांट्स के साइज स्मॉल है, ग्रासेस टाइप के हैं. तो दीज वेजिटेशन ग्रो इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ठीक है, ओके. ग्रासेस बहुत लंबे भी जा सकते हैं, अबाउट 3 to 4 meters. एग्जाम्पल है सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका का, वेरी इंपॉर्टेंट. अफ्रीका में एक ग्रासलैंड है सवाना ग्रासलैंड, वही एग्जाम्पल. अब ग्रासलैंड में एनिमल्स कौन कौन से मिलेंगे आपको? What do you think? ग्रासलैंड में कौन कौन से एनिमल्स मिलेंगे बताइए. आपको मिलेंगे एलिफेंट्स, देन योर ज़ेब्रास, जिराफ्स, डियर, लेपर्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे. क्लियर, फाइन, ओके. सो दिस इज योर ग्रासलैंड. अब ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में हमने पढ़ा. नेक्स्ट इज योर टेम्परेट ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड मतलब जो टेम्परेट रीजन में है. ओके, मिड लैटिट्यूडनल रीजन में. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज मिड लैटिट्यूड. अबव ट्रॉपिक, बिलो आर्कटिक, ओके, और सदर्न में भी अबव ट्रॉपिक, बिलो अंटार्कटिक. एंड दे आर फाउंड इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. ग्रास यहाँ पे छोटे होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं. ट्रॉपिकल में ग्रास लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, लेकिन टेम्परेट में छोटे होते हैं. कॉमन एनिमल्स, वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स एंड एंटीलोप्स. अब बारी आती है थॉर्नी बुशेस के बारे में पढ़ने की. ये आपके एग्जाम्पल्स भी हैं थॉर्नी बुशेस के. यू कैन सी व्हाट टाइप ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेशन इट्स सपोर्टिंग. अब ये जो है ड्राई डेजर्ट में पाए जाते हैं, जो वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट में. अब हमेशा डेजर्ट वेस्टर्न मार्जिन्स में क्यों होते हैं, ये जो है ये हायर क्लासेस में वी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड. जब आप लिख रहे होंगे अबाउट थॉर्नी बुशेस, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये पॉइंट को थोड़ा सा मार्क कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है. और हम फ्यूचर क्लासेस में इसको पॉजिटिवली हम इसको लेंगे, हायर क्लासेस में जब इसका टॉपिक आएगा कि व्हाई ऑल द डेजर्ट, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन, दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग. वेजिटेशन कवर इज स्कैर्स, स्कैर का मतलब कम, बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट. रेन कम है और हीट बहुत ज्यादा है, इम्बैलेंस है हीट सन और रेन का, तो इसकी वजह से जो है वो बहुत ही वेजिटेशन उतना ग्रो नहीं होता है. सो दिस इज योर थॉर्नी बुशेस. थॉर्नी मीन्स कांटेदार. ड्राई रीजन, ड्राई डेजर्ट आर हैविंग थॉर्नी बिकॉज दे नीड टू प्रिवेंट वाटर लॉस. ओके, बिकॉज ऑफ दैट. ये हो गया आपका. नेक्स्ट इज अबाउट योर पोलार रीजन, एनसीईआरटी. दिस रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड. वॉट इज दिस पोलार रीजन? नियर टू द पोल्स. What type of earth I have made? Let's make a circle. Suppose this is my earth, this is my equator, Tropic of Cancer, Capricorn, Arctic. This is my pole, this is my south pole, Antarctic.
द रीजन वेयर विच आई एम शेडिंग हियर दिस इज योर पोलर रीजन नियर टू द पोल्स मीन्स अबव आर्कटिक बिलो साउथ नॉर्थ एंड साउथ पोल ओके एक्सट्रीमली कोल्ड नो डाउट इन इट वेरी लिमिटेड वेजिटेशन इतने एक्सट्रीम वेदर में तो बहुत ही मतलब कमी वेजिटेशन होगा नो सन नो प्रॉपर रेन ओके ओनली मॉसेस लिचन्स स्मॉल श्रब्स आर देयर ओके विच ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर बहुत ही जो कम समर होता है उसमें ग्रोथ होते हैं एंड पोलार रीजन इज ऑल्सो नोन एज योर टुंड्रा टाइप ऑफ सपोर्ट्स योर टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन ठीक है टेम्परेट जो ये वाला जो था आपने जो आपका कॉनिफेरस वाला था उसको हम क्या बोलते थे टाइगा है ना याद आया कहाँ गए हाँ ये टाइगा है एंड द वेजिटेशन विच इज प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल सॉरी पोलार दैट इज योर टुंड्रा वेजिटेशन वेयर आर दीज फाउंड यूरोप एशिया नॉर्थ अमेरिका थिक फर ऑब्वियसली थिक स्किन ऑब्वियसली टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट है ना उसी के हिसाब से अडेप्टेबिलिटी हुई है Now, what are the common animals you can see? Seal, walruses, musk oxen, arctic owl, polar bear, snow foxes. Okay, you can see here full of ice glaciers. Okay, fine. So, this is your end of the today's chapter, today's lecture. I hope you liked it. Sare aapko concepts acche se clear ho gaye honge. No doubt in it. Theek hai? Humne bahut sare concept kar liya. Ye hamara chapter number 5 tha. फॉरेस्ट आपको अच्छे से जानने चाहिए बेसिक कैटेगराइजेशन वी हैव ऑलरेडी डन एंड इन द हायर क्लासेस मैंने आपको बताया वो एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाई ओनली वेस्टर्न मार्जिन आर हैविंग मोस्ट ऑफ द डेजर्ट इफ यू स्टिल वांट टू डू रिसर्च ऑन इट यू कैन डायरेक्टली डू द रिसर्च नो प्रॉब्लम ओके सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 सॉरी आई बाय मिस्टेक आई हैव सेड चैप्टर 5 क्लियर लास्ट चैप्टर 5 वाज वाटर या So this is your natural vegetation in wildlife. We have completed it. And in the next lecture, we will be dealing with chapter number 7. Till then, keep revising and post your comment and post your doubts in the comment section.